हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। हाय फ्रेंड्स, तो आलू का पराठा बनाने के लिए और हेल्दी आलू का पराठा बनाने के लिए ये मैंने मैश पोटैटोज लिए हैं, बॉईल किया है और बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं धनिया की पत्ती फाइनली चॉप की हुई, बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्ची बहुत बारीक चॉप किया हुआ। हम बहुत तीखा खाते हैं तो मैंने हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप अपने अनुसार हरी मिर्ची डाल सकते हो इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा नमक, स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे क्योंकि आटे के अंदर भी हमने नमक डाला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसके अंदर धनिया जीरा पाउडर, फर्स्ट में जीरा पाउडर डाल रही हूँ और अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा और हम डाल रहे हैं इसके अंदर गरम मसाला का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और लास्ट में मैं डालने वाली हूँ आमचूर का पाउडर। फ्रेंड्स, आमचूर का पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, इसको बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो आलू का पराठा हम बना रहे हैं ना, आलू को मैंने कोई भी फ्राई नहीं किया, कुछ भी भुना नहीं है आलू को, तो काफ़ी टेस्टी बनने वाला है ये पराठा। और इसको ना आप हाथ से ही मैश करें, क्योंकि जब आप इसको चम्मच वगैरह से मैश करेंगे ना, मिक्स करेंगे, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो आप इसको हाथ से ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो आलू का पराठा मैं बनाने जा रही हूँ, ये डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो आटा मैं इसके साथ यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो हमारा मल्टीग्रेन आटा है। उसमें आटे में मैंने 50% गेहूं का आटा यूज़ किया हुआ है और बाकी 50% में मैंने कुछ सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किया है। और वो क्या सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स है, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा। बहुत ही टेस्टी पराठा बनने वाला है। ये देखिए, ये आटा है और आप देखोगे कि जो आटा है हमारा वो वाइट कलर का नहीं है, तो इसमें मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। और वैसे भी अगर आप गेहूं खाते हो तो उसमें कैलोरीज काफ़ी होती हैं, तो इसके अंदर क्या मैंने मिलाया है ये मैं लास्ट में बताऊँगी आपको। तो ये देखिए, इसको सूखा आटा लगाया, सूखा आटा लगा करके हम इसको इस तरीके से बेलेंगे, ज़्यादा ना बेलें, हाथ देखिए इसकी मोटाई इतना बेलें आप। और अब इसके अंदर हम ये जो हमने आलू का फिलिंग बनाया था, ये फिलिंग इसको डालेंगे। और एक बात मैं बताऊं आपको, फिलिंग बहुत अच्छे से डालें आप, क्योंकि क्या होता है कि लोग आलू का पराठा तो बनाते हैं लेकिन उसके अंदर जो है वो आटा ज़्यादा और आलू कम होता है। तो आप देखिए, मैंने 3 चम्मच इसमें फिलिंग डाला है और इसको इस तरीके से प्रेस कीजिए, बिल्कुल प्रेस करें आप। और प्रेस करके ये इसी तरीके से बनाएं आप और देखिए कितना टेस्टी पराठा बनने वाला है। और अब इसको जो है इस तरीके से बंद कर दें, देखिए ऐसे मेरे पराठे में सिर्फ आपको आलू ही नज़र आएगा, आटा बहुत कम नज़र आएगा। तो इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट भी इसको बहुत आराम से खा सकते हैं। एक तो ये कंप्लीट गेहूं का आटा है नहीं, और दूसरा जो है वो ये देखिए, और जो पोटैटो मैंने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर वो शुगर फ्री पोटैटो है। तो शुगर फ्री पोटैटो आपको आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपके मार्केट में भी मिल जाएगा, तो आप खा सकते हो उसको। और इसको आराम से हम बेल लेंगे, थोड़ा सा आटा इस पर स्प्रिंकल कर लीजिए इस तरीके से, और बहुत आराम से बेलेगा। और आपको मैं दिखाऊंगी कि इसके अंदर आलू आपको आर पार दिखेगा, बिल्कुल पारदर्शक होकर दिखेगा। ये देखिए, काफ़ी बड़ा पराठा है, इसको हम बनाने वाले हैं। देखिए एकदम मेरा जो आलू का पराठा है बिल्कुल पतला बनेगा, बिल्कुल आटा आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए। अब इस तवा गरम है हमारा, ये देखिए तवा हमारा गरम है, और इस आलू के पराठे को हम इसको आराम से ऐसे डाल देंगे हाई फ्लेम पे, और इसको हम अब सेकेंगे। इसको अब हम पलट लेंगे, इस तरीके से आप पलट लो और डाउन साइड इसे आप अच्छे से पकने दो। फ्रंट साइड हमने हल्का सा पकाया हुआ है और डाउन साइड हम इसे खूब अच्छे तरीके से पकने देंगे, फिर हम इसमें ऑयलिंग करेंगे। तो ये देखिए, बैक साइड में इस तरीके से हम इसे करेंगे। और अब मैं इसमें ग्रीसिंग करने वाली हूँ, बहुत कम ऑयल से, मिनिमम ऑयल से बना रहे हैं इसको। ये मैंने ग्रीसिंग किया, इसको पलट लेंगे इसे। जैसा मैं बना रही हूँ अपने घर में वैसा ही बनने वाला है, कोई भी एडिटिंग नहीं किया है मैंने। ये देखिए,
बहुत ही टेस्टी पराठा बनने वाला है। इसको फुल फ्लेम पे बनाएंगे आप, क्योंकि अगर आप इसको स्लो कर देंगे ना तो पराठा काफी कड़ा हो जाएगा। प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ये पराठा बिल्कुल हमारा बनकर तैयार है, इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसे बटर के साथ खाएं, बहुत मजा आएगा खाने में। ये मैंने इसके अंदर देखिए बटर डाला है, तो बटर के साथ खाएंगे हम इसे। देखिए आलू का पराठा हमारा बनकर तैयार है, और अब समय आ गया है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताने का कि आटे में मैंने कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स लगाया था जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट भी इसको आराम से खा सकते हैं। नंबर वन, क्यों खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि मैंने शुगर फ्री आलू यूज़ किया हुआ है। नंबर टू, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आटे में है वो हमारा 50% आटा है, बाकी 50% में रागी, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और चना, ये हमने मिलाया हुआ है। तो इस वजह से देखिए हमारी मेरी रोटी जो बनाई हुई है, पराठे जो बनाए हुए हैं, इसका कलर भी डार्क है, लेकिन ये खाने में बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ममाज ढाबा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।